कितने फायदे होंगे पाकिस्तान के लिए? होपफुली जी, एक चैलेंज होगा डिपार्टमेंट्स के लिए भी दोबारा से वो सारी चीज़ें वापस लेके आना, क्योंकि एक चलती हुई क्रिकेट थी वो बंद हो गई, तो अब उसको रिवाइव करना। बट आई थिंक ओवरऑल इसके एडवांटेज ज़ाहिर होगा, प्लेयर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और फाइनेंशियली भी प्लेयरों को सपोर्ट मिलेगी। ज़्यादा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जब काम करेंगे डिफरेंट प्लेयर्स पे, तो एटलीस्ट वो सारा बोझ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे नहीं होगा। वहाँ से प्लेयर डेवलप भी होते हैं, जैसे SNGPL की अगर आप देखें प्रोडक्ट्स, तो बिल्कुल यासिर शाह, रिजवान, ये सारे वो लोग हैं कि जो बिल्कुल यंग आए थे, इमरान भट्ट है, बिल्कुल यंग आए थे, उसके बाद ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, उमर अकमल, अदनान अकमल, अजहर अली, यंग आए हैं और उसके बाद क्रिकेट एक तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, भी डेवलप हो गए, पाकिस्तान को लंबे अरसे के लिए सर्व किया। तो ये जो बात आती है ना कि डिपार्टमेंट्स बने बनाए प्लेयर लेता है, ऐसी बात नहीं है। इवन उमर अकमल तो उस वक्त खेला SNGPL से जब वो अभी पाकिस्तान इवन लाहौर से रीजनल क्रिकेट भी U19 नहीं खेला था, फर्स्ट क्लास पहले खेला। तो कोशिश यही है डिपार्टमेंट्स की, हमारी भी होगी, हम पाकिस्तान के लिए प्लेयर्स को डेवलप करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस भी दें। थैंक यू।